सर, आज जो खाद की ये तेल को लेके जो आपने निरीक्षण किया है राठ में, कितने जगह इसकी शुद्धता पाई गई और क्या है इसका मेन उद्देश्य जो आपने किया है? देखिए, शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। विगत कुछ महीनों में खाद्य तेल जो है उसका रेट बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित की है जनपद में। उसी टीम द्वारा आज हम लोग यहाँ पे राठ में इन व्यापारियों के यहाँ औचक रूप से छापा मारे हैं, जिसमें दो व्यापारी जो हमारे मुख्य व्यापारी हैं, उपेंद्र ट्रेडर्स और ये फ्यूचर वन करके है जो ब्रांडेड यहाँ निकालते हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने स्टॉक देखा है और स्टॉक लिमिट तो सही पाई गई है, स्टॉक लिमिट के अंतर्गत ही पाया गया है। परंतु कुछ हमें टीम को जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे उनको जो रिफाइंड पाई गई थी देवेंद्र ट्रेडर्स के यहाँ, उसकी शुद्धता को लेकर के उन्होंने उसकी सैंपलिंग करी है, दो सैंपलिंग किए हैं। और दूसरा इनके यहाँ जो पॉइंट सेल्स करके हैं यहाँ भी सैंपलिंग की गई है, क्योंकि वो ब्रांड अपना बना करके फ्यूचर वन के नाम से ब्रांड करते हैं, स्टॉक तो उनके यहाँ नहीं पाई गई। परंतु इस बीच में और भी दुकानें जो व्यापारी हैं हमारे, संतोष गुप्ता जो पूजा ट्रेडर्स के नाम से हैं, सुरेंद्र गुप्ता जो कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से हैं, इनके यहाँ भी हम लोग गए, परंतु वो दुकानें बंद थी और संपर्क करने पर भी संपर्क नहीं हो पाया। तो और भी व्यापारियों के यहाँ हमारा ये अभियान चलता रहेगा लगातार, और ये जिससे कि मार्केट में जो भी हमारा शुद्ध तेल खाद्य तेल है उपभोक्ताओं को सही दर पे मिले और इसकी कृत्रिम अभाव या कृत्रिम रूप से जो रेट बढ़ रहा है ये ना हो। रेट को लेके कहाँ तक सर देखने को मिला है, रेट कहाँ तक क्लियर है? नहीं, रेट तो अभी तो हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है जनपद में वो रेट गलत नहीं है, वो रेट लगभग सही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सही दर ये बना रहे हैं हमारे जनपद में। कृत्रिम रूप से अभाव और कृत्रिम रूप से इसका दर का कोई ऐसा न देखने को मिले, इसलिए हमारी टीम लगातार इसमें। और जो मार्केट में काफ़ी दुकानें जो बंद मिली हैं तो उनके खिलाफ कुछ नोटिस दिया जाएगा, उनको कैसे? हाँ, जो हमारे पहले से लाइसेंसी हैं थोक वाले, अगर उनकी दुकानें आज नहीं खुली थी उनको हम लोग नोटिस दे करके या फिर औचक रूप से हमारी टीम चलती रहेगी और देखेंगे उनको।